Phronesis Investor Academy के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपका पोर्टफोलियो कैसा है सीरीज का ये फिफ्थ वीडियो है और इस वीडियो में भी मैं टोटल 5 पोर्टफोलियोस को रिव्यू करूंगा। आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं तो सबसे पहले आप अपना गोल्स डिसाइड करें और उस गोल्स के बेसिस पे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करें और साथ ही आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली ही करें। मैं इस पोर्टफोलियो रिव्यू में सिर्फ क्वालिटी ऑफ फंड्स पे कमेंट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू। हमारा फर्स्ट पोर्टफोलियो काफी यूनिक है। इनफैक्ट मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स का मोर देन 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और मैंने ऑलमोस्ट ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील किया है, बट जो पोर्टफोलियो मैं आपको अभी शो करने जा रहा हूँ इस तरह का पोर्टफोलियो अब काफी कम देखने को मिलता है। इस पोर्टफोलियो में टोटल 9 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है और ये सारा इन्वेस्टमेंट्स ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में किया गया है। सो ये 9 स्कीम्स हैं ICICI प्रू ब्लू चिप फंड, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रू मल्टी कैप फंड, ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, ICICI प्रू ESG फंड एंड ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड। ICICI प्रूडेंशियल इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट AMC कंपनी है आफ्टर SBI और इस AMC के फंड्स का परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स अच्छा रहा है, बट लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर इनके इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो मोस्टली इनके फंड्स का परफॉर्मेंस एवरेज है। इस पोर्टफोलियो के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सारा इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम्स में किया गया है। ऐसा करना काफ़ी रिस्की है क्योंकि अगर ICICI प्रूडेंशियल के फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उसके कारण आपके पोर्टफोलियोज का रिटर्न काफ़ी कम आएगा। दैट्स वाई आपको अपना इन्वेस्टमेंट अक्रॉस 3-4 AMCs जरूर करना चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट वेल डाइवर्सिफाइड हो। सो आउट ऑफ दीज 9 फंड्स कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो कि अपने पर्टिकुलर कैटेगरी में टॉप 3 में आएगा, एंड सिर्फ 3 फंड्स ऐसे हैं जो कि एवरेज परफॉर्मर हैं, दैट इज ICICI प्रू ब्लू चिप फंड, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी एंड ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड। रेस्ट ऑल फंड्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। इस पोर्टफोलियो में ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है। मल्टी एसेट मीन्स ये फंड डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करेगा लाइक इक्विटी डेट एंड गोल्ड। ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है और इसका पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। इस फंड के टोटल कॉर्पस का ऑलमोस्ट 34% एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। ICICI प्रू ESG फंड भी एक थीमेटिक फंड है जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। ये फंड ESG कंप्लायंट कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, S स्टैंड्स फॉर सोशल एंड G स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के टोटल कॉर्पस का अबाउट 65-80% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है एंड रेस्ट डेट में होता है। इस पोर्टफोलियो में एक बात अच्छी है कि इस पोर्टफोलियो को बनाया गया है विथ अ इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 15 इयर्स। सो नाउ व्हाट ऑल चेंजेस वी कैन ब्रिंग इन दिस पोर्टफोलियो। सो सबसे पहले हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट करना चाहिए अक्रॉस 3-4 AMCs। हमें अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिंगल म्यूचुअल फंड कंपनी में नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। सेकेंड इज नंबर ऑफ फंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, दैट इज 9, तो वी कैन ब्रिंग डाउन दीज नंबर ऑफ फंड्स टू 5 or 6। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस फंड में सिर्फ 3 एवरेज परफॉर्मर्स हैं, दैट इज ICICI प्रू ब्लू चिप फंड, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी एंड ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड्स। रेस्ट फंड्स या तो रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं या उनका परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स अच्छा नहीं रहा है। जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ऑलवेज ट्राई करें कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड फंड्स के साथ ही जाएं। लाइक आप लार्ज कैटेगरी से कोई एक्टिव फंड या इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लार्ज या मिड कैप कैटेगरी का फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फ्लेक्सी कैप से 1 or 2 फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मिड या स्मॉल कैप से 1 or 2 फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर चाहते हैं तो आप वहां भी 1 or 2 फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा आइडिया है तो आप थीमेटिक फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आप एक न्यू म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो जनरली उसमें आपको न्यू फंड्स या रिस्की फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू आवर सेकंड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 11 फंड्स हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड, ICICI प्रूफ टेक्नोलॉजी फंड, निपॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड, एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, कोटक गोल्ड फंड एंड एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड। इस पोर्टफोलियो में इंडियन इक्विटीज में टोटल 6 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो नंबर ऑफ फंड्स वाइज ये पोर्टफोलियो ओके है। एंड 3 इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। आउट ऑफ दीज 3 इंटरनेशनल फंड्स 2 फंड्स US बेस्ड फंड्स हैं एंड 1 चाइना बेस्ड फंड है।
इस पोर्टफोलियो को बनाया गया है विद अ इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 10 to 20 years, जो कि काफी अच्छा है। तो भी इंडियन बेस्ड इक्विटी फंड्स हैं वो अच्छे हैं, और साथ ही जो 3 इंटरनेशनल फंड्स हैं, 2 US बेस्ड फंड एंड 1 चाइना बेस्ड फंड्स, ऑल 3 फंड्स आर परफॉर्मेंस वाइज ओके। इस पोर्टफोलियो में एक गोल्ड फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। जब भी आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये इन्वेस्टमेंट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू करें। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स RBI इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पोर्टफोलियो में एक शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो जब भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 ईयर से कम है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट डेट फंड्स या FDs में करना चाहिए। करंटली इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स काफी कम है, एंड गोइंग अहेड इन फ्यूचर, एटलीस्ट दिस ईयर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, बट ऑफकोर्स नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है। तो अगर आपको डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म डेट फंड्स अभी अवॉइड करना चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में हस्बैंड एंड वाइफ का पोर्टफोलियो सेपरेटली बनाया गया है। सो नाउ लेट्स चेक दिस पोर्टफोलियो। सो हस्बैंड्स के पोर्टफोलियो में टोटल 6 फंड्स हैं, एक्सेस ब्लू चिप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, SBI स्मॉल कैप फंड एंड मेरे एसेट हेल्थ केयर फंड। आउट ऑफ दीज 6 फंड्स, टॉप 5 फंड्स अच्छे क्वालिटी के फंड हैं। नंबर 6 फंड मेरे एसेट हेल्थ केयर फंड एक सेक्टर फंड है और रिलेटिवली न्यू फंड है। नाउ लेट्स चेक स्पाउस पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो में भी टोटल 6 फंड्स हैं, केनरा रूबिको ब्लू चिप फंड, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट मिड कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड। सो आउट ऑफ दिस 6 फंड्स, केनरा रूबिको ब्लू चिप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड अच्छे फंड्स हैं। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड एंड मेरे एसेट मिड कैप फंड दोनों ही रिलेटिवली न्यू फंड है, जिसका इवन 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मैं इस पोर्टफोलियो में अज्यूम कर रहा हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं एंड दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग है, एंड बेसिस दैट इस पोर्टफोलियो को बनाया गया है। और अगर सिर्फ हस्बैंड वर्किंग हैं एंड स्पाउस होम मेकर हैं तो इन दैट केस नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा हैं, आपको नंबर ऑफ फंड्स को रिड्यूस करना चाहिए टू 5 to 6। और अगर दोनों वर्किंग हैं देन नंबर ऑफ फंड्स इज नॉट अ इशू। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में सिर्फ एक बड़ा इशू है, दैट इज आउट ऑफ दिस 12 फंड्स 3 फंड्स रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, जिनका इवन 3 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जनरली हमें न्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। इसका सिंपल रीजन ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्पेस में ऑलरेडी कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं, जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्कीम्स है। तो आइडियली हमें अपना इन्वेस्टमेंट इन ट्राइड एंड टेस्टेड स्कीम्स में करना चाहिए, ना कि न्यू फंड्स में, बिकॉज वी डोंट नो कि इन फ्यूचर में उन स्कीम्स का परफॉर्मेंस कैसा रहे। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 6 फंड्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, SBI स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। सो परफॉर्मेंस वाइज ऑल 6 फंड्स आर गुड क्वालिटी फंड्स। इन इन्वेस्टर का फ्यू क्वेरीज भी है, लाइक क्या नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा हैं? तो इनका नंबर ऑफ फंड्स सिर्फ 6 है, सो दैट वे नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा नहीं है। सेकंड क्वेरी है कि इन्होंने 2 स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या ये सही है? सो लुकिंग एट योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, आप एक स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं। इनका एक और क्वेरी है कि जब भी आप अपना SIP किसी पर्टिकुलर फंड में बंद करते हैं तो ऑलरेडी जो SIP से आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है उस पैसे का हमें क्या करना चाहिए? अगर आपने एक ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट किया है जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स, और आपको नियर फ्यूचर में, दैट इज नेक्स्ट 2 to 3 years में पैसे की जरूरत नहीं है, तो आपको अपना पैसा नहीं निकालना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 9 स्कीम्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूव टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल फंड, एडलवाइस ग्रेटर चाइना ऑफशोर इक्विटी फंड एंड मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। इस पोर्टफोलियो को बनाया गया है विद अ इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 3 to 4 years, जो कि काफी कम है। इस पोर्टफोलियो का काफी बड़ा एक्सपोजर है मिड कैप फंड्स में, स्मॉल कैप फंड्स में, थीमेटिक फंड्स में एंड इंटरनेशनल फंड्स में। तो अगर आपको इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 years से ज्यादा तो जरूर रखना ही चाहिए। अगर आप इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 years से ज्यादा रखना होगा। फंड्स परफॉर्मेंस वाइज ये फंड्स अच्छे हैं,
ओनली चेंज जो कि आप इस पोर्टफोलियो में कर सकते हैं वो ये है कि आईसीआईसीआई अप्रूव टेक्नोलॉजी फंड एंड टाटा डिजिटल फंड, आउट ऑफ दीज टू फंड्स आप एक फंड को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं, रेस्ट ऑल फंड्स आर ओके। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस इन्वेस्टमेंट नॉलेज का उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।